गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आई एम सॉरी फॉर द डिले। आज थोड़ी बहुत पार्टी चल रही थी, ठीक है। आई होप एवरीवन एंजॉयड टुडेज प्रॉफिट। बहुत आसान था आज का मार्केट, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था आज करने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा मार्केट था। और अगर आज आज भी आप नहीं पाए, इवन आफ्टर मैंने सारी चीजें बता दी थी मार्केट में आपको, अगर आज भी आप नहीं कमा पाए तो थोड़ा बहुत आपको सोचने की जरूरत है कि शायद आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज का मार्केट बहुत सिंपल था। मैंने जो जो जोन आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम अकाउंट में बताया था, उन्हीं जोन्स पे आपको ट्रेड करना था। सिंपल उसी जोन पे आपको स्टिक रहना था और कुछ आपको करना ही नहीं था। अगर आप वही काम करते बस तो भी आपको प्रॉफिट आपका श्योर शॉट था, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी नहीं। क्लियर? तो आज के अगर मार्केट की बात करें, निफ्टी बहुत अच्छा था, निफ्टी बहुत अच्छा साइडवेज था एक्चुअली, और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था। वन साइडेड ट्रेड, ठीक है। मैंने आपको दोपहर को ही ट्रेड दे दिया था, 1:30 बजे के आसपास शायद मैंने ट्रेड दिया था कि कॉलर पुट दोनों बाय करना है। दोनों 30 रुपए के आसपास का प्रीमियम था, 30-32 का, जिसमें से मैंने कहा था कि एक का टारगेट 120 होगा, लेकिन मैंने 80 रुपए के प्रॉफिट में निकलवा दिया था। क्योंकि हम लोगों ने 50 लॉट से किया था तो 25,000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा समवेयर रहा। लेकिन अगर आपने 120 तक के टारगेट का वेट किया होता तो शायद वो 250-230 तक का शायद ऑल टाइम हाई मारा था उसने आज के पूरे दिन पे। तो वो बहुत अच्छा ट्रेड गया। बहुत रेयरली ऐसे ट्रेड्स आते हैं, हर रोज नहीं आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसे ट्रेड्स मिले तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कल मार्केट क्या होने वाला, आगे मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है। आज का प्रॉफिट था, लॉस था, जो भी था, आज का दिन खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट डे मार्केट, ठीक है। बैक टू बैक दो दिन रेड आ चुका है, ठीक है। अब ये जो रिट्रेसमेंट था, ये जो मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो चुका है। अब कितना परसेंट रिट्रेस हुआ है ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट दे चुका है। क्लियर? ये 61% रिट्रेसमेंट है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। मेरे हिसाब से अभी उसके नीचे ही आएगा, ठीक है। अभी चांसेस कम है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है फिलहाल के लिए। मैं चाहूंगा कि कल का मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप हो, उसके बाद हल्का फुल्का गैप डाउन, धीरे धीरे नीचे आए, वेल एंड गुड मेरे लिए ही रहेगा। मैं चाहूंगा कि ये वन फ्लो पे ना जाए फिलहाल के लिए। मार्केट दो दिन या तो साइडवेज खुल के एक दिन ऊपर आ जाए, फिर मैं मंडे को एक डाउनफॉल या फिर नेक्स्ट वीक एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। या फिर एक दिन ऊपर जाके एक दिन नीचे जाके होल्ड करें, उसके बाद एक दिन जो ग्रीन कलर का कैंडल बना है उसके बाद ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हमारे रेजिस्टेंस के आसपास इसने एक अप ट्रेंड दे के उसके बाद नीचे आया है, ये फेक ट्रेड होता है। जिस तरह से हम लोगों ने एक बार यहाँ गेस किया था कि ये फेक ओपनिंग हो सकता है, उसके बाद दो दिन धड़ल्ले मार्केट बहुत अच्छा गिरा था, ठीक है। एक ही दिन 4% का गिरा था, उस दिन हमें यहाँ पे मिला था वैसा ट्रेड, वैसा ही ट्रेड यहाँ पे थोड़ा बहुत मिला है। ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट करेक्ट हो चुका है आज बैंक निफ्टी, विच इज ऑफ कोर्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप कि मार्केट इसी तरीके से चले जैसा हम लोग सोचते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए होता है मार्केट में। सब कुछ अगर इंस्टीट्यूशन से चला लेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। तो अभी बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास हावर कर रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट तोड़ना है तो एक दिन हॉल्ट कर ले, ठीक है। मान लीजिए कल ही गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा, उसके बाद नीचे नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक दिन यहाँ पॉज कैंडल ले, ठीक है, कुछ दिन रुके, एक दिन रुके, डेढ़ दिन रुके, दो दिन रुके। अगर उसके बाद मार्केट इधर नीचे आने पे लेता है ना, तो ऑलमोस्ट दो दिन के अंदर ये कैंडल हिट होगा और हमें ये लेवल्स भी वापस देखने को मिल सकता है। जिसका मतलब है इन्वेस्टिंग जो आपने किया था पिछले 3 महीने में, उनको निकालने का मौका आपको मिल सकता है, ठीक है। जो भी 25-30 तक भी स्टॉक्स मूवमेंट किए हैं, जैसे रिलायंस ने 20% मूवमेंट कर दिया है, HDFC ने 20-25% मूवमेंट कर दिया है, कोटक ने मूवमेंट कर दिया, तो बहुत अच्छे खासे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया ऑलरेडी। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट मूव्स ऑन अहेड बेसिस, ठीक है। अभी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी अभी ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, पूरे दिन गैप डाउन था, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे वही हावर किए। ज्यादा बहुत मूवमेंट हमारे पास निफ्टी में तो है नहीं। मैं निफ्टी में चाहूंगा कि ये जो गैप क्लोज हुआ है, अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देखो, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर गया है। मैं चाहूंगा कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट आ जाए। कल अगर गैप डाउन खुल के इस लेवल के आसपास सपोर्ट आता तो मैं ऊपर जाने मार्केट की कोशिश करूंगा, और अगर गैप अप हो तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। प्लीज ऑप्शन शॉर्टिंग कर लीजिएगा अपने करेक्ट एसएलस के साथ, और कुछ मत करिएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ज्यादा एनालिसिस है नहीं,